हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है सी आशीष अग्रवाल और आज हम जानेंगे ईवे बिल के बारे में। ईवे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांसपोर्टर को कैरी करना जरूरी होता है विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कब जरूरी होता है? जब गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा होती है। लेकिन कई कई स्टेट में इस वैल्यू को 50,000 रुपये की जगह 1 लाख भी किया गया है, लाइक दिल्ली महाराष्ट्र के केसेस में। ठीक है, काफी सारी ट्रांजेक्शन्स या गुड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक गुड्स की बात करें तो जो जो गुड्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, लाइक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन या फिर पेट्रोलियम, तो इनके लिए ईवे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ट्रांजेक्शन की बात करें तो लाइक हम गुड्स को अगर किसी नॉन मोटराइज व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर 50,000 से नीचे की वैल्यू का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी के लिए बात करें तो हमें ईवे बिल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी ईवे बिल की साइट का। दूसरा, आपको बिल होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर पार्ट ए के लिए गुड्स की डिटेल, पार्ट बी के लिए ट्रांसपोर्टर की डिटेल होनी चाहिए। जैसे ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, हम चलेंगे ईवे बिल के साइट पर ईवे बिल बनाने के लिए। तो आपको गूगल में जाके टाइप करना है ewebill.nic.in। ठीक है, तो आप ईवे बिल के साइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में ईवे बिल के अंदर जाना है, देन जनरेट न्यू के अंदर जाना है। उसके अंदर आपको ये फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन की डिटेल डालनी है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन की डिटेल में आपकी सप्लाई टाइप रहेगी, आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो या इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो। लाइक आप इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो लेकिन आपका सेलर अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको बिल जनरेट करके देना पड़ेगा, तो वहां पे इनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कौन सी सप्लाई कर रहे हो। अब देखते हैं सब टाइप। सब टाइप में आपको क्या चूज करना है, लाइक आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, जॉब वर्क के लिए आप गुड्स सेंड कर रहे हो, असगेट सेमी नॉकडाउन कंडीशन या कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका ऑर्डर बहुत बड़ा है लेकिन वो आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे लोट्स में आप उसको भेज रहे हो, या रिसिपिएंट आपका अननोन है, खुद के यूज के लिए, लाइक आप अपनी एक फैक्ट्री से किसी दूसरी फैक्ट्री में आप गुड्स को भेज रहे हो, एग्जीबिशंस के या फेयर्स के लिए आप गुड्स को भेज रहे हो, या लाइन सेल्स, लाइक आपने गुड्स लोड करवा दिए गाड़ी में लेकिन आप बिल नहीं बनाया है कस्टमर के नाम का। आप क्या करोगे, कस्टमर के डोर टू डोर जाके ऑर्डर लोगे और वहीं पे आप गुड्स डिलीवर करके वहीं बिल बना दोगे। तो उस तरह के केसेस में आप लाइन सेल यूज करते हो, लाइक अदर कोई भी कंडीशन है, तो इस तरह के लिए आप सब टाइप यूज करोगे। आप सब टाइप के अंदर ये डेफिनेशन यहाँ पे दे भी रखे हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। सब टाइप के बाद आपको यूज चूज करना है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर में आपका क्या रहेगा, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चूज करनी है डॉक्यूमेंट डेट। जो भी आप जिस भी डेट का आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, इनवॉइस बनाई है, वो यहाँ पे आप डाल दोगे। ट्रांजेक्शन टाइप नॉर्मल आपका रेगुलर रहेगा, लेकिन कई सिचुएशन में क्या होता है कि क्लाइंट गुड्स को अपनी लोकेशन पे ना मंगवा के कहीं और मंगवा लेता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बिल टू शिप टू हो जाएगा। मतलब आप बिल कहीं और का कर रहे हो लेकिन गुड्स को कहीं और शिप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन कई केसेस में ये होता है कि आप खुद गुड्स को अपनी फैक्ट्री से ना उठवा के कहीं और से माल भिजवा देते हो, तो उस केस में क्या होता है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, बिल कहीं और से है लेकिन आप डिस्पैच कहीं और से कर रहे हो। ठीक है, तो इन केसेस में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री, मतलब डिस्पैच भी कहीं और से कर रहे हो और भेजना भी कहीं और है आपको, क्लाइंट की फैक्ट्री ना भेज के, तो आप वो चेक कर लीजिए आपको कौन सा सूट करेगा। फिर नीचे बिल फॉर्म में आपके डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बिल फॉर्म में आपकी डिटेल आती हैं जो भी है। डिस्पैच फॉर्म में अगर आपने डिस्पैच का एड्रेस कहीं और चूज किया है तो वो आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आपकी फैक्ट्री का एड्रेस फिल किया हुआ आता है जो आपने जीएसटी अप्लाई करते टाइम दिया था। ठीक है, बिल टू में आपको बताना है, ये क्लाइंट की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है कि बिल किसके नाम पे जा रहा है और शिप कहाँ पे होना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप यहाँ पे बता दीजिए। अब बिल टू में आपको क्या डालना है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे डालना है सिंपल उनका जीएसटीएन, बाकी की डिटेल ये अपने आप उठा लेगा। अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या डालना है, यूआरपी। ठीक है, यहाँ पे यूआरपी डाल दीजिए एंड इनकी डिटेल डाल दीजिए जो भी है, बिल टू की और शिप टू की। ठीक है, तो लाइक अब मैं यहाँ पे, मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है तो मैं यहाँ पे उसका जीएसटीएन नंबर डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स ने उठा ली। ठीक है,
अब क्या करना है, आइटम की डिटेल हमें डालनी है। लाइक सबसे पहले हमें प्रोडक्ट नेम डालना है, क्या प्रोडक्ट हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं मोबाइल सेंड कर रहा हूँ, फिर उसका डिस्क्रिप्शन हमें डालना है, ठीक है, कि मान लीजिए कौन से कलर का है, कौन सी ब्रांड है, क्या क्या कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर एसएसएन कोड डालना है आपको, फिर मैं एसएसएन कोड डाल देता हूँ मोबाइल का। आपको क्वांटिटी बतानी है, आप कितनी क्वांटिटी सेंड कर रहे हो। लाइक मेरे को 10 पीस सेंड करने हैं। यूनिट मतलब आपको यूनिट कोड बताना है यहाँ पे। यहाँ से आप क्वेश्चन मार्क पे जाके यूनिट का कोड चेक कर लीजिए। लाइक मेरा पीस है तो पीसीएस आएगा, ठीक है। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू बतानी है आपको कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू लाइक मेरे को 12,000 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचना है, तो मेरा 1,20,000 रुपये के पीस हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, जीएसटी के रेट स्पेसिफाई करने हैं आपको, ठीक है। मेरा 12% का रेट लाइक मेरे को यहाँ पे अप्लीकेबल है, तो मैंने 12% सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके ऊपर आईजीएसटी का जो अमाउंट लगाया है इसने वो सही है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेस आपका 0 रहेगा अभी के लिए, वो आप चेक कर लीजिए आपका जो भी अमाउंट रहेगा। उसके बाद टोटल अमाउंट जो बिल की रहेगी वो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमें पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालनी है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल में आप मोड क्या रहेगा, लाइक रोड बाय रोड हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, व्हीकल टाइप हमारा रेगुलर है, ठीक है। व्हीकल नंबर, लाइक व्हीकल नंबर मैं फिल कर देता हूँ, और व्हीकल नंबर लाइक मेरा है DL1LAB, ठीक है, 7750, ठीक है। लाइक मेरा ये व्हीकल नंबर है, लेकिन ये व्हीकल नंबर क्या है ना, ये उठाएगा नहीं, इनवैलिड फॉर्मेट दिखाता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली 1 के आगे 0 पुट कर देनी है, इस व्हीकल नंबर के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट में आपका क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर में आप यहाँ पे जो भी आपकी इनवॉइस नंबर रहेगा वो, और इनवॉइस की डेट वही डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें चेक कर लेना है प्रीव्यू करके, अगर सारी डिटेल सही है तो हम बैक आएंगे, बैक आके हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे और ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही बिल सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, हमें इस तरह से ई वे बिल दिखाई देगा, ठीक है। इसे हमें ट्रांसपोर्टर को दे देना है जो गुड्स के साथ कैरी करेगा, प्लस हमें अपनी फाइल में लगा लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर।